हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपको पता है, इस साल के एनुअल बजट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 93,244 करोड़ रुपीस का एजुकेशनल बजट अनाउंस किया है, जिसमें से 38,350 करोड़ रुपीस हायर एजुकेशन के लिए अनाउंस किया हुआ है। क्या इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस की हालत में सुधार आने वाला है? Well, होना तो चाहिए, राइट? लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि एडमिशंस प्रोसेस की रेस में अब प्राइवेट कॉलेजेस भी गवर्नमेंट कॉलेजेस से पीछे नहीं रहना चाहते। तभी तो उन्होंने खुद के मेट्रिक सिस्टम अनाउंस किए हैं, क्योंकि शायद उनके मुताबिक गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज के बच्चे प्राइवेट वालों से कम कंपैटिबल होते हैं। बट उनके इस सोच के बावजूद भी क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा चकाचौंध से भरे हुए हैं? और अगर एक तरफ गवर्नमेंट भी इंडिया के एजुकेशन पॉलिसीज में सुधार लाना चाहती है, साथ ही प्राइवेट कॉलेजेस भी मैट्रिक सिस्टम से डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मौका देना चाहते हैं, तो क्या वजह है कि इंडिया में स्टूडेंट्स का जो सुइसाइड रेट है 8.2% तक आ पहुंचा है? इसकी वजह कौन से कॉलेज के लूप होल्स है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब हमारे आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेजेस वर्सेस प्राइवेट कॉलेजेस। तो चलिए कॉलेज से जुड़े हुए इस कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं इनके लिए होने वाले धक्का धुक्की यानी एडमिशन से, जिनके लिए स्टूडेंट्स को देने होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स। क्योंकि हर कॉलेज के पास सीट्स लिमिटेड होती है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए न जाने कितनी बड़ी रेस लगती है। और अगर कॉलेज कोई मीडियम लेवल का या प्राइवेट कॉलेज है, तो वो कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं लेकर पिछले मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दे देता है, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले सिस्टम पर बेस्ड होता है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन ना ही मार्क्स से हो रहा है और ना ही एंट्रेंस एग्जाम से, और उसे अपने टैलेंटेड होने की वजह से किसी प्रेस्टीजियस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो वो वहां डोनेशन के रामबाण इलाज का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एडमिशंस में डोनेशन से पैसे ऐंठने का काम सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं, क्योंकि इस रेस में कई गवर्नमेंट कॉलेजेस भी शामिल हैं जो एडमिशंस एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पर देते हैं, जैसे IIT कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AIIMS, BHU यूनिवर्सिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसमें नेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अब जाहिर है, इतने बड़े लेवल पे होने वाले एग्जाम्स को क्लियर करना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए वहां भी डोनेशंस ही काम करते हैं। पर इससे पहले आप मुझे कोसो, पहले ये भी जान लो कि हर गवर्नमेंट कॉलेज में ये नहीं होता, और जहां होता है वहां इतने सुमड़ी में होता है कि इसका पता किसी को नहीं चलता, जिस वजह से इस मामले में नाम सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस का ही खराब होता है। एडमिशन लेने के बाद जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो होता है फीस का, क्योंकि डोनेशन के साथ भारी भरकम ट्यूशन फीस को भरना किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए इजी नहीं होता। इसीलिए अक्सर स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं उनका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाए, क्योंकि उन कॉलेजेस को गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, और फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल, और इसीलिए वहां फीस काफी कम होती है, जिसकी वजह है हमारा एनुअल बजट। पर बजट की पढ़ाई हो या बजट की बाहर की, एक बच्चा एक दिन में सिर्फ 5 घंटे ही कॉलेज में बिताता है। और ऑनलाइन क्लासेस की बात करूं तो ये समय और भी घटता जा रहा है, बट दुनिया में नॉलेज ग्रहण करने की रेस तो बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और ऐसे में अगर समय के साथ आपका नॉलेज भी कंपाउंड नहीं होगा तो आप पीछे रह जाओगे। और इसीलिए आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए और बढ़ाए रखने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंडिया का बेस्ट एजुकेशनल पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म कुकू FM, जहां स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स बल्कि बच्चे बूढ़े सभी के लिए 1000 प्लस आवर्स की एजुकेशनल कंटेंट लाइब्रेरी है, जिन्हें आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अपने लाइफ में, अपने बिजी लाइफ में मल्टीटास्क करते हुए। इसके साथ ही इसमें और भी जॉनराज अवेलेबल है, जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट, मोटिवेशन, नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन, हिस्ट्री, साइंस फिक्शन, और भी बहुत बहुत कुछ, जो सब आप हिंदी लैंग्वेज जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। अब फ्रेंड्स, नॉर्मली आप इस ऐप का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का 399 रुपीज में खरीदोगे, बट क्योंकि आप एक गेट सेट फ्लाई फैमिली के मेंबर हो, और गेट सेट फ्लाई और कुकू FM ने मिलकर इंडिया में नॉलेज को बढ़ाने की पार्टनरशिप ली है, इसीलिए अगर आप हमारा कोड गेट सेट 50 यूज करोगे तो आपको तुरंत 50% ऑफ मिलेगा, मतलब 199 रुपीज पर ईयर में इस नॉलेज बढ़ाओ प्लेटफॉर्म की मेंबरशिप, एंड दिस ट्रूली मे बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल मेक ऑन योरसेल्फ। So click on the link in the description and go download now, because only for first 250 users this code will be active. हमारे एनुअल बजट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर का बजट अनाउंस किया जाता है, और यही अमाउंट गवर्नमेंट कॉलेजेस में खर्चे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में कई तरह की रिजर्व सीट्स भी होती है, जिन पर एडमिशन लेने वालों को एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, और
फिर चाहे वो फीमेल्स हो या एससी एसटी या इवन फिजिकली डिसेबल्ड लोग। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहां 22.5% सीट्स सिर्फ एससी एसटी ट्राइब्स के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं तो पहले ये डिसीजन वहां की मैनेजमेंट अथॉरिटी का होता था कि वो अपने इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन रखना चाहती है या नहीं, लेकिन फिलहाल नए पॉलिसीज की वजह से गवर्नमेंट ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को भी रिजर्वेशन के लिए 10% सीट्स रखने का सुझाव दिया है। हालांकि इससे ये कहना गलत होगा कि प्राइवेट कॉलेजेस इस फैसले के बाद अपने फीस कम कर देंगे, क्योंकि इन इंस्टीट्यूट्स को गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं करती, बल्कि उनके लिए ट्रस्ट्स या ऑर्गेनाइजेशंस अपने यहाँ स्टूडेंट्स को बेटर फैसिलिटीज विद टॉप क्लास एजुकेशन देने पर फोकस्ड रहते हैं, जो ओवरऑल फीस बढ़ाने में योगदान देता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में फीस ज्यादा सिर्फ इसीलिए नहीं होती क्योंकि उनका मैनेजमेंट अलग होता है, बल्कि इसीलिए भी होती है क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। जैसे जरा इन फोटोज को देखिए, क्या आप ऐसी खंडर इमारतों में पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं, राइट? इनफैक्ट इन्हें देखते ही आपने इनके एजुकेशनल पॉलिसीज को भी जज कर लिया होगा और राय बना ली होगी कि ये कॉलेजेस बकवास होंगे। इसमें आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस की बिल्डिंग्स ऐसी ही होती है, घिसी पिटी, बेरंग, जर्जर, और ऐसे में क्लासरूम में एसी का ख्याल तो पाप ही होगा। जाहिर है जहां ये बेसिक फैसिलिटीज नहीं होगी वहां की पढ़ाई लिखाई पे कैसे भरोसा किया जा सकता है। वहीं अगर हम किसी प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वो किसी लग्जूरियस होटल से कम नहीं लगते, और आप मान बैठते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा होगा तो पढ़ाई भी अच्छी ही होगी, क्योंकि ह्यूमन माइंड काम ही ऐसे करता है, उसे जो चीज अच्छी दिखती है उसके बारे में अच्छे ही थॉट्स आते हैं, इसे कहते हैं द हेलो इफेक्ट। हालांकि मैं अगर ये कहूं कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस का हाल ऐसा है तो कृपया करके मेरा खून करने के बारे में मत सोचना। इसका सबूत है ये, आईआईटी बॉम्बे, एसएसआरसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ये वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। किंतु ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का ही है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्टूडेंट्स को पढ़ाने की निंजा स्ट्रेटेजी होती है। पर नो डाउट कॉलेजेस में दिए जाने वाले एजुकेशन और फैकल्टीज भी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि डिग्री खत्म होने के बाद कॉलेज के नाम के साथ स्टूडेंट की नॉलेज को भी जज किया जाता है, जो उसे देते हैं प्रोफेसर्स। इसमें सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो वहां के हर प्रोफेसर NET, SET या फिर PhD होल्डर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि प्रोफेसर्स भी कम्पीट करते हैं, और इसीलिए अक्सर हमें वहां प्रोफेसर्स मिड एज्ड या बुजुर्ग नजर आते हैं। रहा सवाल प्राइवेट कॉलेजेस का, तो प्रोफेसर्स वहां भी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन सरकारी वाले के कंपैरिजन में थोड़े कम क्वालिफाइड होते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जिनका सिलेक्शन उनके ग्रेजुएशन की वजह से नहीं बल्कि उनके स्किल्स के बेसिस पर होता है, और इसीलिए तो ऐसे कॉलेजेस में प्रोफेसर्स यंग होते हैं। और मान लो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा प्रेस्टीजियस है और उसे अपने ब्रांड वैल्यू के लिए हाईली क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत है, तो उस केस में गवर्नमेंट कॉलेज के स्टाफ को अच्छा पैकेज ऑफर कर उन्हें सोर्स किया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेशन अच्छी फैसिलिटी से मिले और कॉलेज की मार्केट वैल्यू भी बनी रहे। हालांकि सिर्फ फैकल्टीज ही नहीं, कई बार ये कॉलेजेस प्लेसमेंट के नाम पर भी तोले जाते हैं, और ज्यादातर लोगों का मानना है कि प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स अच्छी होती है, क्योंकि सारी बड़ी कंपनीज हायरिंग के लिए पहले प्राइवेट कॉलेजेस में जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब महज कहने की बातें हैं, तो बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये बात सच भी है, प्राइवेट कॉलेजेस में प्लेसमेंट अच्छी होती है, लेकिन वहां 100% प्लेसमेंट्स की अश्योरिटी नहीं होती। इनफैक्ट अगर रिपोर्ट्स की माने तो प्राइवेट कॉलेजेस नाम कमाने के चक्कर में खुद ही कंपनीज को प्लेसमेंट्स के लिए बुलाते हैं, जिसके बाद कंपनीज बंदों को हायर तो कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ ही दिनों में उस कैंडिडेट को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि या तो वो जॉब छोड़ देता है या फिर उसे निकाल दिया जाता है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलने वाले प्लेसमेंट्स जेन्युइन और टिकाऊ होते हैं, क्योंकि यहाँ वही कंपनीज एम्प्लॉयज की तलाश में आती है जिन्हें लॉन्ग रन के लिए लोगों की जरूरत होती है, और उस पे अगर एम्प्लॉय की डिग्री किसी गवर्नमेंट कॉलेज की हो तो वो उनके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है, बिकॉज ऐसे एम्प्लॉयज को कम रिसोर्सेज के साथ लंबे वक्त काम करना आता है, और कंपनी चाहे छोटी हो या बड़ी, हर कोई अपने रिसोर्सेज बचाना चाहता है। लेकिन 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 यहाँ हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कॉलेज चाहे जैसा भी हो, सबके अंदर अपने अपने लूपहोल्स होते हैं। कहीं बेहतर स्टाफ होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, तो कहीं फीस ज्यादा होते हुए प्लेसमेंट्स में कमी है, पर ये वो लूपहोल्स है जो सभी को नजर आते हैं। जबकि एक चीज ऐसी भी है जो किसी को नजर नहीं आती, और वो है स्टूडेंट्स सुइसाइड रेट।
In fact, 2019 में 10,335 students ने suicide किया था, which means हर एक घंटे में एक suicide, जो 2020 में बढ़कर 1.5 लाख हो गया था। लेकिन ताजुब की बात तो ये है कि आखिर क्यों इंडिया में student suicide rate इतना ज्यादा है? कहीं इसकी वजह colleges तो नहीं है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, क्योंकि स्टूडेंट सुइसाइड या तो रैगिंग की वजह से करते हैं या फिर प्लेसमेंट्स नहीं मिलने की वजह से। वैसे तो प्लेसमेंट साइकिल हर कॉलेज में अलग अलग होता है, लेकिन किसी भी कॉलेज में 100% नहीं होता। और जब कोई स्टूडेंट प्लेसमेंट में सिलेक्ट नहीं होता, तब उसकी सालों की मेहनत, एजुकेशन पर लगा पैसा और जीरो से शुरुआत करने की बात उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। यही नहीं, कई बार इन्हीं सब वजहों से स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वहां मार्क्स से ज्यादा स्किल्स पे ध्यान दिया जाता है। प्लस जितना पैसा लगाकर वो यहाँ बिना किसी एश्योरेंस के पढ़ेंगे, उससे थोड़ा ज्यादा पैसा लगाने पर वो वहां ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स सीख सकते हैं और एक बेहतर पैकेज भी ले सकते हैं। और अगर कम मार्क्स भी आ जाए तो उसके बावजूद मॉडरेट कंपनीज में डिसेंट पैकेजेस वाली जॉब उन्हें वहां मिल ही जाएगी। और इसीलिए यहाँ पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि अच्छी कमाई का जरिया बनना भी होता है, जो कि बहुत बार इंडिया में सफल नहीं हो पाता है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही स्टूडेंट सुइसाइड रेट को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है? हालांकि ये तो वजह हुई जिसके बारे में कहीं ना कहीं लोगों को अंदाज होता है, पर स्टूडेंट्स के बीच बढ़ते डिप्रेशन और सुइसाइड रेट की दूसरी वजह कॉलेज अथॉरिटीज खुद भी है। जानना नहीं चाहते वो वजह कौन सी है? The answer is reservation. अब government colleges के reservation के बारे में हम जानते हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि private colleges में भी अभी ये चीज होने लगी है, जिसमें college authorities भी seats को reserve कर देते हैं, पर किसी category के लिए नहीं, बल्कि management के लिए, जिसे बेच कर वो बाद में donation से पैसे कमाते हैं, sort of like black में admission बेचना। इस वजह से कॉलेज चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, रिजर्वेशन की चक्की में पिसते हुए बहुत बार डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मौका मिल ही नहीं पाता, और कई बार जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें पैसा या माइनॉरिटी के आधार पर मौका मिल जाता है, जो हो सकता है हमारे देश की डेवलपमेंट में ऑब्स्टेकल डाल रहा हो। क्योंकि इंडिया में 464 मिलियन पॉपुलेशन यूथ्स की है, जबकि इसी यूथ के साथ स्कूल से लेकर कॉलेज, फिर प्लेसमेंट्स और फिर वर्क प्लेसेस में भेदभाव होता है, जिसकी नींव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही रखी जाती है। ऐसे में क्या ये कहना गलत होगा कि हमारे यहाँ लूपहोल किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही है और इसमें सुधार लाने की सख्त जरूरत है, जो कि कहा जा रहा है कि आ रहा है, लेकिन क्या सच में? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। और हाँ फ्रेंड्स, जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। फर्स्ट 250 लोगों के लिए गेट्स एट 50 कोड यूज करने पर उन्हें 199 रुपीस पर इस वेबसाइट की मेंबरशिप मिलेगी। गेट्स एट 50 कोड यूज करने पर 199 रुपीस में सालाना की मेंबरशिप मिलेगी इस ऐप की। So go hurry now. और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। Get Set Fly Fact चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली आप हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट ना मिस कर सको। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।